आरजेडी के सजा याफ्ता सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को बेल के लिए अभी और इंतजार करना पड़ेगा। 139 करोड़ की जो अवैध निकासी हुई थी डोरंडा कोषागार से, उसमें उन्हें दोषी पाया गया था और 5 साल की सजा सुनाई गई थी। बेल प्ली हाईकोर्ट में लगा हुआ है और इसके पहले जो है कोर्ट नहीं बैठी थी इसके पहले सप्ताह, और अब जो है हियरिंग इसलिए डेफर हुआ है कि सीबीआई को वक्त दिया गया है रिप्लाई फाइल करने के लिए। इस वक्त जो हियरिंग में असिस्ट किए कपिल सिब्बल के साथ देवोश्री मंडल, उनसे हम सीधे बातचीत करते हैं। साथ में हमारे अभय सिंह भी हैं, आरजेडी नेता, उनसे भी बात करेंगे। इरफान है, क्या हुआ आज? आज मैटर लिस्टेड था, टेकअप हुआ मैटर, बट सीबीआई ने टाइम ले लिया जवाब देने के लिए, तो ये मैटर 22 तारीख के लिए चला गया। 22 तारीख के लिए चला गया। अच्छा, इसके पहले जो है कोर्ट जो है वो बैठी नहीं थी? नहीं, इसके पहले कोर्ट नहीं बैठी थी 1 तारीख। तो अब क्या ये इसके बाद जब रिप्लाई आएगा तो फिर एक बार हियरिंग होगा? हाँ, 22 तारीख के लिए। 22 तारीख को फिक्स्ड है। तो क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप लोग, उस दिन आएगा या लेट्स सी अब क्या? अच्छा, ये सब जुडिस मामला है। अब अभय सिंह जी से बात कर लेते हैं। सर, ये सीबीआई बार बार वक्त मांग रही है, लगता है सबको? देखिए, सीबीआई जो है 3-4 लोगों का जो बेल हुआ, जिसमें केएम प्रसाद जी का बेल हुआ और डॉक्टर और अन्य लोगों का जो बेल हुआ, उसमें सीबीआई का कोई ऑब्जेक्शन नहीं आया। लेकिन इनमें आ रहा है, और इनमें जो ऑब्जेक्शन किया कि काउंटर एफिडेविट हम नहीं किए हैं, जबकि इनको इसके पहले ही माननीय न्यायालय द्वारा इनको काउंटर एफिडेविट करने का आदेश मिला था, और जानबूझ करके इनको प्रताड़ित करने के लिए काउंटर एफिडेविट नहीं किया गया। आज न्यायालय ने उनको लास्ट चांस दिया है कि अगले शुक्रवार को आप काउंटर एफिडेविट जमा कीजिए, और 22 तारीख का डेट मुकर्रर किया है। तो उस दिन हम जानबूझ के हो रहा है क्या? आप लोगों को क्या लगता है सर, जो है समर्थक, लालू समर्थक? दम बिल्कुल बिल्कुल साजिश के तहत हो रहा है। आप लोग को भी यही लगता है? बिल्कुल, क्योंकि देखिए और लोगों में ऑब्जेक्शन नहीं है, सेम केस है, सेम एफआईआर है, सेम सजा है, लेकिन और लोगों में सीबीआई का ऑब्जेक्शन नहीं है, तो इसमें क्यों? वो इंटेंशनली सीबीआई कहीं ना कहीं से गाइड हो रही है और जानबूझ के चाहती है कि लालू प्रसाद ज्यादा से ज्यादा दिन तक जेल में रहें, यही सीबीआई के इंटेंशन है उनके प्रति। और हम लोग तो यही जानते हैं कि माननीय उच्च न्यायालय में मैटर है, हम लोग माननीय उच्च न्यायालय के शरण में है, तो जो भी होगा वो हम लोग को मान्य है। इरफान जी, क्या आप लोग चाहते क्या है? अल्लाह के घर में देर है, अंधेर नहीं। पहले परिचय पूरा बताइए। मोहम्मद इरफान अहमद अंसारी, सन ऑफ श्री लालू प्रसाद यादव। हाँ, क्या चाहते हैं, क्या बेल मिल नहीं रहा? मिलेगा, बताए ना। हाँ। कि अल्लाह के घर में देर है, अंधेर नहीं है। कितने दिन सिर को पिंजरे में रखिएगा ये देखिए, कितने दिन पिंजरे में शेर को रखिएगा। थोड़ा सा निराशा आरजेडी कैंप में, लेकिन जाहिर तौर पर काउंटर एफिडेविट के लिए सीबीआई को वक्त दिया गया है। कैमरामैन राकेश तिवारी के साथ सत्यजीत कुमार, रांची, आज तक।